भाई मेरा नाम मोहम्मद हसन है भाई। मैं 20 साल सऊदी अरब में था, कमाया, घर के वास्ते भेजा पैसा, बहनों की शादियां कराया, सब चीज़ करा भाई, घर के वास्ते करा। मेरे से छोटे छोटे भाई शादियां कर लिए, तो भी मैं सब्र करके पड़ा भाई। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, समझे। अब यहाँ पर मैं घर में शादी करे, सुकून से रहने के ऐसे नहीं दे रहे भाई मेरे को, टाचरा करे, हमेशा हमेशा लड़ाई झगड़ा। मेरा बाप है मेरे भाई, मेरे बाप के पैर हाथ पड़ लेता हूँ, मैं कुछ भी पेट मंडी लेता हूँ, लेकिन मैं कितना ही, वो तो मेरा बाप है। अगर मैं आज उसकी बेइज्जती करूँगा तो कल मेरी औलाद मेरी बेइज्जती करती मेरे भाई, समझे। मेरे को इतना एहसास है, मैं कई उम्रे कर लिया मैं भाई, मेरे खौफे खुदा है भाई, मेरे को मालूम है, समझे। फिर भी लोग हमेशा टाचरा करते भाई, कभी लाइट का बिल करंट बंद कर देते, कभी पानी का वो कर देते भाई, कभी ड्रेनेज का वो कर देते भाई, पूरे महल में इधर से पानी उधर से पानी, कचरा फेंकते भाई घर के ऊपर, फिर भी मैं खाऊं बैठ जाता हूँ भाई। अगर मैं उन लोगों को टाचरा करने वाला आता था तो मैं अंधेरे में क्यों रहता, इतना परेशानी में कई कुछ जिंदगी गुजारता भाई, बताओ आप। जैसे कि कल आपके वालिद साहब यहाँ पे इल्जाम लगाए कि उनके आप दांत कुछ तोड़ दिए करके, भाई इसमें क्या सच्चाई है कि आप किस वजह से हुआ था ये? भाई मेरे चुप चुप आके गालियाँ देके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तश में लेके आ रहे हैं भाई, मैं भी तो इंसान हूँ ना मेरे भाई, बताओ। तश में लेके आना, गालियाँ देना, मारने को आना, बोरा क्या, इन्हें मारने को आया तो मेरे को वो होना क्या लोगों के सामने। मैं जब गुस्से में आया तो मेरी उंगली पकड़ ली, दांत में उंगली में आ गई भाई, भाई दांत में उंगली आ गई, दांत में उंगली आने से, ये पकड़ने से मैं उंगली खींचा, खींचे तो दांत निकल गया तो पूरा खून खून आ गया भाई। बोरा क्या, बच्चा मुँह पे मारा, मुँह पे अगर मारता तो भाई मुँह पुनः फूलता, कल्ले पे अगर मारा तो मेरी बचाने के, मैं क्या करूँ बताओ, मेरी उंगली में बताओ, अगर आप मेरी उंगली पकड़ लो, आपकी उंगली में पकड़ लूंगा तो आप छुड़ाने के क्या करते बताओ। हाँ देखो आप उंगली की हालत। ये भी बताया गया कि आपके वाइफ जो है इनकी दाढ़ी पकड़ के मारा गया। मेरी वाइफ अंदर थे भाई, मेरी वाइफ अंदर थे, मैं खुद ही लॉक के अंदर रखता हूँ। कहीं की बोलो कहाँ का लड़े झगड़ा, हमेशा आते उधर से टाचर करते, इधर से टाचर करते, इधर गली में से बच्चों को आदमियों को बुला के गली में आओ, यहाँ खटका मार के मारो बोलते भाई, लेकिन मैं फिर भी जान दो मेरा बाप है ना, उधर से बताते उधर बुलाते घर में घुसाते, इससे तो मैं लॉक करके रखता हूँ भाई। आपकी डिमांड क्या है अभी आप? भाई हम सुकून से रहना चाह रहे हैं भाई, हमें कोई डिमांड नहीं है, ये घर मेरे पूरे भाइयों का बहनों का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर बेचो, प्रॉपर्टी के ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग प्रॉपर्टी केस बनाना चाह रहे हैं। कहीं को बोले तो मेरी माँ के नाम पे घर है, इन्हें हट गया तो हमारा केसीआर बोला कहते बच्चियों के नाम पे होना पूरा, तो इन लोग चाह रहे क्या बच्चियों के नाम पे, वो तो बच्चियों के नाम पे होना, इन लोग बच्चे भड़का पका नहीं रहना बोल के बोल, तो मैं क्या कहना बोलो भाई। कोई भी इंसान मेरी जिंदगी देखो क्या क्या उससे गुजर रही, हाँ कैसा गुजारा मेरा, मासूम मासूम बच्चों को ले लेके कैसा, कभी किसी महल में पूछ लो आप, कभी किसी संगत बड़ी बात नहीं, कभी बैठता नहीं, यहाँ रात के 3 दिन बजे तक हंसी मजाक छिछोरा पाना कर लेते रहते भाई, क्या करना बोलो आप। बस हमको सुकून चाहिए भाई, सुकून चाहिए भाई, हमें कुछ भी और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो मेरे पास इल्ज़ाम डाले वो पूरे झूठे, वो पूरे वो हटा दीजिए जो इल्ज़ाम डाले हैं मेरे ऊपर। मैं वही चाह रही हूँ बस, मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, हम सबको सुकून से रहने दीजिए। हम अभी कुछ प्रॉपर्टी बेचो नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, हम सब भाइयों का हक़ है, सब बहनों का हक़ है, सबको बराबर हक़ मिलता है मिलते से टाइम पे। हम अलग ही थे, हमको सुकून से रहने नहीं दे रहे, अलग ही पोजीशन है, कम से कम 6 भाई हैं, हम लोग 6 भाई में मैं अकेला हूँ, मेरे को भी सुकून से रहने नहीं दे रहे। अरे तुम, अरे मेरे भाई पूरा महल्ला जानता ना, कुछ तो सबूत होता ना, पत्थर फेंकना, मट्टी फेंकना, फिर भी मैं खाऊं बैठा तो क्या, किसके ऊपर क्या इल्जाम डालूं भाई बताओ। मैं खुद ही मेरे 4 बच्चों की जिंदगी, कैसा खाना कैसा पीना उन लोगों की जिंदगी में लगा, तो मेरे का टाइम ही नहीं है भाई इन लोगों के साथ लड़ने के वास्ते, बताओ। अरे भाई मैं अपने अगर वायरल करने का रहा तो मैं कौन सी भी फोटो वायरल करता था, जैसा कि मेरे बीवी के फोटो वायरल करे, मेरे को इज्जत का खौफ खुदा है मेरे भाई, उन्हों कर रहे हैं उनकी अपनी वो है समझो, मैं क्यों करूं भाई मेरे बहनों के वायरल ना, बताओ आप। उन्हों कर रहे हैं आप इससे मालूम कर सकते हैं क्या झूठ है क्या सही है, मेरी बीवी आके दाढ़ी पकड़ के मारे बोल के बोले ये देख रहे हैं आप, दूसरा क्या मैं ऐसा मुँह पे मारा बोल के बोल रहे ये एक, तीसरा चौथा क्या मैं बहनों के वायरल करूँगा, क्यों वायरल करूँगा भाई बताइए आप। मेरे क्या एक बात बताओ, मेरे बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं ना, आज मेरे बहनों के वायरल करूंगा तो मेरे मासूम बच्चों का कौन कुछ ना कुछ कर सकते ना, बताओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुजाना फातिमा है। मेरे जो ससुरे हैं उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम डाले हैं कि मैं उनकी दाढ़ी पकड़ के मारी हूँ, लेकिन ये सरासर गलत इल्ज़ाम डाले उन्होंने मेरे पर। मेरे घर का रास्ता अलग है, गेट अलग है, उनके घर का गेट अलग है, और मैं मेरे घर में रह के पूरी वीडियो ले रही हूँ। मैं हूँ मेरे बच्चों के साथ घर में, मेरे शोहर मेरे को लॉक डाल के बाहर चले जाते हैं। बोलीजिए मैं कैसा कर सकती हूँ, बड़े बूढ़ों का मेरे को तो लिहाज है ना, वो गलत बात है जो मैं दाढ़ी पकड़ के मारी, जो जो बोल रहे ना आप, ये एकदम सरासर गलत है मेरे ऊपर इल्ज़ाम जो डाल रहे हैं लोग। मेरे भी मासूम मासूम बच्चे हैं, इन लोगों को लेके हम लाइफ में बहुत स्ट्रगल उठा रहे हैं। 8 महीने से हमारे पास, 8 महीने से ज़्यादा हमारे पास लाइट नहीं है, हम कैसा बच्चों को ले लेके अंधेरे में रह रहे हैं, हमारे दिलों कुछ मालूम है। लॉकडाउन ऐसी गुजरा, रमज़ान ऐसी गुजरा, बोलीजिए अब मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाना,
आप ही कुछ हल निकाल लीजिए। हम आपको सुकून से सिर्फ रहने दो बोल रहे हैं, हम कुछ बोल रहे ही नहीं, सिर्फ हम आपको सुकून से रहने दो बोलते, हम आपको रहने भी नहीं दे रहे लोग। अब क्या करना बोल लीजिए आप लोग, ऐसा ऐसा कर रहे कि झूठे इल्ज़ाम डाल के हमारे को कुछ भी केस करो, स्ट्रिक्टली एक्शन लो, ऐसा बोलते क्या? ड्रेनेज का पाइप फोड़ देते, करंट का बिल मीटर काट देते, लाइट काट देते सब।